पाकिस्तान सरकार के एक बड़े अधिकारी ने पाक की नापाक मंशा को लेकर बड़ा खुलासा किया है, जिसकी माने तो पाकिस्तानी तस्कर सीमा पार से भारत में ड्रोन के जरिए ड्रग्स की सप्लाई कर रहे हैं। पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के करीबी अधिकारी मलिक मोहम्मद अहमद खान ने खुद इसका खुलासा किया है। एक टीवी इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तानी अधिकारी का कहना था कि ड्रग तस्कर हाईटेक तरीके से पड़ोसी मुल्क के पंजाब में ड्रग्स भेज रहे हैं। ये तस्करी पाकिस्तानी शहर कसूर के जरिए कराई जा रही है। ये शहर भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीक है और पंजाब राज्य से लगता हुआ है। आपको बता दें, कसूर भारत के पंजाब में खेमकरन और फिरोजपुर से लगता है। उधर रिपोर्ट के माने तो मलिक मोहम्मद अहमद खान रक्षा मामलों में शहबाज शरीफ के स्पेशल असिस्टेंट और सलाहकार हैं। वहीं कसूर से प्रोविंशियल असेंबली मेंबर यानी MPA हैं। वहीं पंजाब पुलिस के डेटा में भी बताया गया है कि सबसे ज्यादा ड्रग्स के मामले खेमकरन और फिरोजपुर में ही दर्ज किए गए हैं। पंजाब पुलिस ने इसी महीने की शुरुआत में डेटा जारी किया था, जिसके मुताबिक सिर्फ फिरोजपुर में 2022-23 के दौरान NDPS एक्ट के तहत 795 FIR दर्ज की जा चुकी हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।